भी संजय जुड़ चुके हैं, संजय का भी रुख करते हैं हम। संजय, किस तरह का माहौल है और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? भीड़ तो काफी देखने को मिल रही है संजय, काफी उत्साहित है लोग वोट करने को लेकर। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती इसी को कहा जाता है कि व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, व्हाइट कलर का व्यवस्था की गई है और वोट डाल दिया आपने, वोट डाल दिए, कितना अच्छा लग रहा है वोट डाल के। हमारे साथ अभी जो है बहुत उत्सुक है लोग यहाँ पर वोट करने के लिए। और बहुत परसेंटेज लग रहा है कि लगातार आप लोगों ने प्रयास किए हैं ताकि बहुत ही परसेंटेज बढ़ जाए, लगातार यहाँ बढ़ता है, क्या लोग अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए वोट करें, घर से निकले और लोकतंत्र में भागीदारी अपना हिस्सा लें। देखिए साफ तौर पर कहना है जो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, लोगों से जो है प्रखंड स्तर पदाधिकारी ने लोगों से अपील भी की वोटरों से कि घर से निकले और वोट करें। हमारे साथ देखिए ऐसा वोटर जो नहीं चल पा रहे हैं उनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था की गई थी, जो होम वोटिंग नहीं की है उनके लिए वोट डाल दिया, डाल दिए। क्या नाम हुआ आपका? देव नारायण साहब। अच्छा लग रहा है ना? देखिए ये वोट डाल दिया। हमारे साथ कुछ युवा है, युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे, वोटर लाइन पे है उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार बात करेंगे। क्या उम्मीद है? सरकार बहुत उनकी काम कर रही है, इसके लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए मैं देखिए युवाओं जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका जो है खासतौर पर कहना है कि जो भी सरकार बने युवाओं पर ध्यान दे, रोजगार भी एक बड़ा इनका कहना है कि रोजगार दे। कुछ लोगों से और भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत बढ़ना वाला कितना देर से खड़े हैं? आधा घंटा से खड़े हैं। कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। रोजगार में
ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं दी गई है। सब अपने अपने अंदर जो कर्मी जो स्टाफ है, जो जो पुलिस पाटिया है, वो अंदर में, इसके अलावा कोई अंदर नहीं है। और साफ तौर पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोगों के गुस्सा रखी जा रही है मतदान केंद्र। संजय बने रही है, नवनीत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नवनीत, आपके पीछे महिलाओं की काफी लंबी कतार लगी हुई है, ऐसे में महिलाओं से पूछिए कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी और क्या चाहती हैं वो, क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी आते हैं संजय आपके पास, हम आते हैं नवनीत। महिलाओं को ऐसी क्या चीज है जो इनको नहीं मिल पा रही है इनके क्षेत्र में, जिसकी जरूरत है उन्हें? कितना क्या नजर आना ठीक है, हम संजय के पास आते हैं, संजय का रुख करते हैं, लगता है कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया। संजय महिलाएं पीछे हैं, आते हैं नवनीत आपके पास, रहिए वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। संजय पीछे महिलाएं खड़ी हैं, किन मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये वोट कर रही है, उन्हें क्या मूलभूत सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र में नहीं मिल रही है, जिसको लेकर वो लोग कतारबद्ध है और काफी लंबी लाइन लगी है महिलाओं की। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूछिए महिलाओं से क्या क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार। बिल्कुल, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि महिलाएं देखते कतार बहुत तरीके से लाइन पर लगी है, तो सात लाइन से पहले ही लाइन पर लग चुकी है, वो डाल के यहाँ पे अरे यहाँ मैडम
पूछिए, लगता है फर्स्ट टाइम वोट करने आई है, पूछिए फर्स्ट टाइम वोट करने आई है क्या। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। देखिए हम स्वस्थ और सुंदर लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर। ऐसे तो गाँव ग्राम में मतलब जो बन रहा है वो देते हैं, गाँव का वर्ड ही दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसका इतना चाहिए अच्छा और चाहूंगा जी। देखिये लोगों का विकास ही एक बड़ा मुद्दा है, सार्थक लोगों का ना कि जो भी विकास है होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। संजय आप भी रहे क्षेत्र में, आप भी रहे क्षेत्र में, काफी आपने वहां पर रिपोर्टिंग की पूरे चुनाव भर में, क्या लगा किन चीज की कमी जो है पाकुड़ में है और क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी नहीं मिल पा रही है पाकुड़ की जनता को। पाकुड़ से बात करें तो ठीक है, हम आपके पास आते। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटीओ मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।